स्लाइस कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्लाइस कार्ड का बिल कैसे पे किया जाता है। स्लाइस कार्ड फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्म में मिलता है, तो इससे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। पूरे महीने आप इससे जो भी स्पेंड करते हैं, जितने भी पैसे खर्च करते हैं, तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में बिल जनरेट हो जाता है जो कि आपको पे करना होता है। जैसे कि मैंने अपने स्लाइस कार्ड से अगस्त मंथ में जितने भी पैसे स्पेंड किए हैं उसका बिल जनरेट हो चुका है जो कि मुझे अभी पे करना होगा। आपने कहां कहां स्पेंड किया है, कहां कहां पैसे खर्च किए हैं, ये आप पासबुक में देख सकते हैं, जिसके लिए आप पासबुक आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप ऊपर मंथ चूज कर लेंगे, जैसे कि मुझे अगस्त का देखना है तो मैं अगस्त मंथ चूज कर लूंगा। इसमें आप देख सकते हैं आपने कहां कहां पैसे खर्च किए हैं। बिल पे करने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बिल जनरेट होगा वो यहां पर आ जाएगा। जैसे कि मेरा बिल जनरेट हो चुका है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इसमें आपको पेमेंट के काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप चाहें तो फुल पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने बिल को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बिल जनरेट हुआ है 2,351 रुपए का, तो अब या तो मैं पूरा पे कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में। स्प्लिट करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस बिल को 2 महीनों में या 3 महीनों में पे कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं, आप इस बिल को 6 मंथ्स या 9 मंथ्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपसे एक छोटा सा चार्ज लिया जाएगा। तो जैसे कि ये 2,351 रुपए का मेरा बिल जनरेट हुआ है, इसको मैं 3 महीनों में पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 3 मंथ्स वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा और इसको मैं 783 रुपीस करके 3 महीनों में पे कर सकता हूँ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब जैसे कि मुझे फुल पे करना है तो मैं पहला ऑप्शन चूज कर लूंगा। इसके बाद सेव प्लान एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जितना मैंने खर्च किया है उतना ही मुझे पे करना है, एक भी पैसा मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। कंफर्म करेंगे। आप UPI, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नेट बैंकिंग से पे करना है तो मैं इंटरनेट बैंकिंग चूज कर लूंगा। इसमें मैं बैंक चूज कर लूंगा किस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है। रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा उसी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पेज पर। आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बैंक OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका बिल सक्सेसफुली पे हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रिपेमेंट सक्सेसफुल, और इस पर मुझे एक स्क्रैच कार्ड भी मिल गया है। इसको मैं यहाँ पर स्क्रैच कर लेता हूँ तो इसमें मुझे 4 रुपीज का कैशबैक भी मिल गया है। इसके बाद आप रिपेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। सो इस तरह से आप स्लाइस कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। आप चाहें तो फुल बिल पे कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के।